हेलो एंड वेलकम टू विज्ल अकेडमी डे रेस्टोरेंट आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द इंडिया स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बेसिक शेप और बेसिक फार्म ऑफ द टेम्पल इन इंडिया जब आप किसी भी हिंदू टेम्पल में जाते हो वहां पर आपको फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिलते हैं उस टेम्पल के लेकिन आप नोटिस नहीं करते हो यह हम इस लेक्चर में जाने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बिकॉज जब मैं टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ाऊँगा उस टाइम में वो कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स को रिपीट नहीं करूंगा इन आर टू सेव टाइम उसके बाद हम पढ़ेंगे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइवरिंग स्टाइल एंड देन विसारा स्टाइल लेकिन इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर देन बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन डिटेल अगर आपको इस टॉपिक की पी चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ऑफ विजन प्लस अकेडमी ठीक है लेट अस स्टार्ट देखिए इंडिया में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर सर्वाइव कर रहा है फ्रॉम द एंशंट एंड मिडि इंडिया से दैट इज मोस्टली ऑफ द रिलीजियस नेचर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना बिल्डिंग्स जैसे टेम्पल्स को बनाना टॉम्ब्स को बनाना मास्क को कंस्ट्रक्ट करना ठीक है लेकिन जो स्कल्पचर होता है इट मीनस कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री डी यानी कि थ्री डायमेंशनल समॉल आर्ट देखिए जो आर्किटेक्चर होता है इसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हो जाती है बिकॉज अगर आप टेम्पल बनाते हो तो इस टेम्पल में मेजरमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो मेजरमेंट्स करते हैं इंजीनियर्स ठीक है ना लेकिन जो स्क्रप्टचर हैं आप बुधा की इमेज बनाते हो किसी हॉर्स की इमेज बनाते हो किसी बुल की इमेज बनाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो आप कोई भी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं होती है बिकॉज आप कभी बुधा की इमेज बड़ी बनाओगी कभी छोटी बनाओगी इट डिपेंड्स अपॉन यू ठीक है ना तो इन सिंपल वी कैन से जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है बिकॉज इट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स लेकिन जो स्कल्पचर होता है वहां पर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं होती है बिकॉज इट डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल थ्री डायमेंशनल आर्ट ठीक है ना अब हम देखेंगे बेसिक फॉर्म और बेसिक शेप ऑफ द टेम्पल इन इंडिया ओके देखिए किसी भी हिंदू टेम्पल में अगर जो आप वहाँ पर फोर इंपॉर्टेंट पार्ट मिलते हैं वन इज कॉल्ड गर देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड वाम हाउस बिकॉज इट्स ए क्यूबिकल रूम जिसमें मेन आइकन या मेन डाइटी या मेन भगवान की इमेज रखी जाती है ठीक है ना और इस जो ये घर बागरा होता है इसके सामने एक रूम अटैचड होता है इस रूम को हम बोलते हैं मंडप जिसमें वर्शिपर्स आके वर्शिप करते हैं मेन डाइटी का ठीक है सो मंडप इज एक्चुअली वर्शिपिंग हाल देन हम देखेंगे प्रदक्षिण पाथ देखिए जो टेम्पल होता है मंदिर होता है ऑन द ग्राउंड इसके चारों तरफ एक पाथ घूमती है ठीक है ना इस पाथ में जो वर्शिपर्स होते हैं या पिलग्रिम्स होते हैं वो रोटेट करते हैं राउंड द टेम्पल उस पाथ को हम बोलते हैं प्रदक्षि पाथ और सरकम एम्बुलेट्री पाथ लेकिन अगर आप सांची सुतु फोस्टो देखोगे उसमें दो सर कम एम्बुलटरी पाथज हैं दो प्रदक्षिण पाथज हैं इट इज़ यूनिक इन द इंडिया एक प्रदर्शन पाथ ग्राउंड लेवल पर है और एक प्रदर्शन पाथ जो है इट इज़ एबो द ग्राउंड और रेजल फ्रॉम द ग्राउंड ठीक है देखिए अगर हम नादर्न टेंपल्स की बात करेंगे इसमें कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स है कुछ क्राउनिंग एलिमेंट्स है जैसे जो आमलक होता है इट इज हॉर्जेंटल सर्कुलर ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ द नागरा टेम्पल और जो कैलाश होता है इट इज आल्सो क्राउनिंग एलिमेंट ऑन द आमलक ठीक है लेट अस सी दीज फोर पार्ट्स देखिए जो गार होता है इट इज लाइक हाउस एंड uh, इसमें मेन जो डाइटी होती है मेन आइकन होता है इसको प्लेस किया जाता है और जो मंडप होता है इट्स अ हॉल बिफोर द गर्बागरा जिसमें वर्शिपर्स बैठ के वर्शिप करते हैं ठीक है ना और जो माउंटेन लाइक -like सुपायर हैं टावर स्ट्रक्चर है इसको हम शेखर बोलते हैं नॉर्थर्न इंडिया में और इसको विमान बोलते हैं हम साउदर्न इंडिया में ओके और जो वाहना होता है इट इज़ माउंट और व्हीकल ऑन द मेन डाइटी और मेन आइकन ठीक है अब हम देखेंगे टाइपज ऑफ द टेम्पल्स इज ऑर्डर ऑफ द टेम्पल देखिए जो टेम्पल्स हैं, इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वन इज नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल दैट इज फाउंड इन द नार्दर्न इंडिया विसारा टेम्पल स्टाइल इट इज फाउंड इन द मिडल इंडिया नॉर्थ साउथ इंडिया और जो ड्राइवडियन स्टाइल है इट इज फाउंड इन द साउदर्न इंडिया ओके देखिये जो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है नॉर्दर्न इंडिया में इसको हम इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे कवर करेंगे ठीक है उसके लिए आप वेट करो पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स व्हाट इज मेंट बाय आइकोनोग्राफी स्टेडी ऑफ भगवान इमेज स्टेडी ऑफ डाइटी इमेज़ को हम बोलते हैं आइकोनोग्राफी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी इमेज मिली है फ्राम एंशंट इंडिया और मिडवल इंडिया से आप उसको जानने की कोशिश करते हो ये कि किस भगवान को बिलोंग करती है वेदर इट इज़ अप शिवा इमेज वेदर इट इज़ सूर्या इमेज वेदर इट इज़ बिलोंग्स टू विष्णु एट्सट्रा ठीक है ना इसको हम बोलते हैं आइकोनोग्राफी एंड नेक्स्ट इज़ मिथुना क्या होता है इट इज़ नॉट मिथुन चक्रवर्ती जिसके आपने मूवी देखी है मिथुनाज का मतलब होता है एरोटिक इमेजेस देखिए जो खजुराव टेम्पल्स है मध्य प्रदेश में वेरी फेमस फॉर द एरोटिक इमेजेस और जो खजुराव टेम्पल्स है इनको बनाया गया था जूरिंग चंडाला डायनास्टी ठीक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गोपूराम एंड टोरना देखिए जो टेम्पल की मेन गेट होती है मेन एंट्री होती है इसको हम बोलते हैं गोपुराम लेकिन जो देवार में गेट वे होती है वाल में गेट वे होती है इसको हम बोलते हैं टोरना अगर आप सांची साँची सुतुपोष्ट देखेंगे वहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर गेटवेज़ हैं जिनका हम बोलते हैं टोरनाज ओके देखिए जो टेम्पल्स हैं होते हैं मंदिर होते हैं इनमें कुछ क्राउनिंग एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऊपर आप लोगों ने देखा नागरा टेम्पल में आमलक और कैलेश देखा आपने इसी तरह कुछ अदर ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कल्पलाता है याला है ऑर्जल कॉल्ड याली ठीक है एंड नेक्स्ट इज गवाक्शा दीज आर ऑल ऑर्नामेंटल एलिमेंटस ओके देखिए जो टेम्पल का टावर होता है इसको हम बोलते हैं शेखर इन द नॉर्दर्न इंडिया और सेम टेम्पल टावर को हम बोलते हैं विमान इन द साउदर्न इंडिया ओके okay? यूपीएससी ने पूछा था व्हाट इज पंचयातना देखिए इट इज टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइन ऑफ द फाइव टेम्पल्स जो मेन टेंपल होता है जिसमें मेन डायटी रखी जाती है इसको सेंटर में रखा जाता है जो अदर छोटे छोटे टेंपल होते हैं इनको फोर कार्नर्स पे बनाया जाता है इस स्टाइल को हम बोलते हैं पांच यातना, यानी इट इज द डिजाइन ऑफ फाइव ओके? टेंदर्न इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर बनाया जाता है उस टेंपल आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इस टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स हैं डेट आर डिस्टिंग फ्राम दिसारा टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड इन द मिडल इंडिया एंड ड्रावडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड इन द साउदर्न इंडिया ठीक है देखिए जो टेम्पल का हाइस्ट टावर होता है नॉर्दर्न इंडिया में इसको हम शेखर बोलते हैं लेकिन सेम टेम्पल टावर को हम बोलते हैं साउथ इंडिया में विमान ठीक है और जो ये हाइस्ट टावर होता है शेखर इसको यूजअली घर बागरा के ऊपर बनाया जाता है घर बागरा एक क्यूबिकल रूम होता है जिसमें मेन डाइटी की इमेज रखी जाती है और इस घर बागरा के सामने एक रूम को अटैच किया जाता है इस रूम को हम बोलते हैं मंडप जिसमें वर्शिपर्स वर्शिप करते हैं मेन डाइटी का ठीक है देखिए यहाँ पर आप देखते होंगे ये जो शेखर है इसको बनाया गया है घर बागरा के ऊपर इसके सामने जो ये रूम है इसको हम बोलते हैं है मंडप इसके सामने जो ये अदर रूम्स है छोटे छोटे इनको हम बोलते सबमटपस ठीक है देखिए जो शेखर होता है इट इज यूजली स्क्वायर शेपड एट द बेस एंड इसके जो वॉल्स है देख करू इनर साइड इनर वर्ड्स एंड एंड एट ए पॉइंट और जो शेखर होता है इसके टॉप मोस्ट एंड पर कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स कुछ क्राउनिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है जैसे यहां पर जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आपको यहां पर दिखता होगा इसको हम बोलते हैं आमलक एंड आमले के ऊपर जो ये ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता होगा इसको हम बोलते हैं कैलाश दीज आर क्राउनिंग एलिमेंट इन द नार्जरन टेम्पल्स ठीक है देखिए नार्जरन टेम्पल्स में यूजली स्टप होते हैं लीडिंग टू द टेम्पल ठीक है और यहां पर जो ये स्ट्रीट आप लोग देखते होंगे इसको हम बोलते हैं प्रदक्षण पाथ और सरकम यहाँ पर वर्ष पर जो है वो राउंड करते हैं वो घूमते हैं उंड टेम्पल ठीक है देखिए नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं इनके प्रेमाइज में यूजली वाटर टैंक्स या वाटर रिजर्वर्स नहीं होते हैं लेकिन जो साउदर्न इंडिया में टेम्पल बनाए जाते हैं उनके प्रेमाइज में यूजअली एक या एक से ज्यादा वाटर रिजर्वर्स या वाटर टैंक्स को बनाया जाता है इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है जो जाम मस्जिद दिल्ली है वहां पर फ्रंट साइड में जो आप एंटर कर रहे हो वहां पर एक वाटर टैंक बनाई गई है ठीक है हम ये सारे एलिमेंट पढ़ेंगे वन वन लेट पेशेंस ओके टेम्पल आर्किटेक्चर जिसको डिजाइन किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में उसको हम बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ओके नॉर्दर्न इंडिया में यूजुअली टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ स्टून प्लेटफॉर्म आप यहां पर देखते होंगे और नार्दर्न इंडिया के टेंपल्स में यूजुअली स्टअप होते हैं

गेट वे नहीं होती है, ओके देखिए जो अर्लियर नादर्न टेम्पल्स थे नागरा टेम्पल्स थे उनमें यूजुअली एक टावर या एक शेखर होता था वो भी घर बागरा के ऊपर ठीक है लेकिन अगर हम करंट इंडिया की बात करेंगे नादर इंडिया के टेम्पल में बहुत सारे टावर्स फाउंड किए जाते हैं जैसे जो मंडप होता है यहाँ सब मंडप होते हैं इनके ऊपर भी टावर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बट नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा जो टावर होता है जिसको आप शेखर बोलते हो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है गरबागरा के ऊपर ओके okay? लेकिन साउदर्न इंडिया में सिर्फ एक ही टावर होता है जिसको आप विमान बोलते हो ठीक है ना और नॉर्दर्न इंडिया में सेवरल टावर होते हैं जिनको आप शेखर बोलते हो ओके okay? गर जो है जिसमें आप मेन डायटी रखते हो इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है अंडर दस्ट टावर यानी जो घर भाग रहा है जिसमें आप मेन डायटी रखते हो मेन भगवान की इमेज रखते हो इसके ऊपर ही जो शेखर है टावर है कंस्ट्रक्ट किया जाता है ओके देखिए जो पांच यातना डिजाइन डिजाइन है टेम्पल का वो भी कहीं ना कहीं फाउंड किया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में ठीक है देखिए पांच यातना क्या है इट इज टेम्पल आर्किटेक्चर डिजाइन जिसमें जो फाइव टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो मेन टेम्पल होता है इसको सेंटर में रखा जाता है और जो मेन डाइटी होती है उसकी जो इमेज है पिक्चर है उसको सेंटर के टेम्पल में रखा जाता है और जो टेम्पल के फोर कार्नर होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे फोर टेम्पल को बनाया जाता है एंड इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं पाँच यातना डिज़ाइन और पाँच यातना आर्किटेक्चर ठीक है ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्पल यूजुअली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनके प्रमाइज़ में वाटर टैंक्स और वाटर रिजर्वर्स नहीं होते हैं ठीक है और नार्दर्न इंडिया में जो क्राउनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आमलक एंड कैलाश देखिए घर बाघरा के ऊपर जो मेन टावर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका हम बोलते हैं शेखर इन द नार्दर्न इंडिया और विमान इन द साउदर्न इंडिया और जो ये शेखर होता है नार्दर्न इंडिया में इसके ऊपर क्राउनिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है वन इज कॉल्ड आमलेक एंड आमलेक के ऊपर एक ड्रम लाइक -like स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसका बोलते हो कैलाश ठीक है तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो आमलेक और कैलाश हैं, दीज आर क्राउनिंग एलिमेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया ओके देखिए अगर आप एंटर करोगे घर बागरा जिसमें मेन डाइटी को रखा जाता है ठीक है उनके देवार पर आपको मिलेंगे रिवर गॉडस की इमेजेस, वन इज ऑफ यमुना गॉडस एंड अंदर इज ऑफ गंगा गॉडस ओके देखिए नॉर्दर्न इंडिया में जो डाइटीज होते हैं भगवान की इमेजेस होते हैं उनको यूजुअली घर के अंदर रखा जाता है लेकिन साउदर्न इंडिया में अगर हम देखेंगे जो भगवान के इमेजेस होते हैं उनको आउटसाइड रखा जाता है घर बागरा में समझे ना बात देखिए जब नॉर्दर्न इंडिया में आप टेम्पल में जाओगे फॉर एग्जाम्पल पूजा करने आप जाओगे तो वहाँ पर आपको मंडप में एंटर करना जरूरी है तब जाके आप मेन डायटी का पूजा कर सकते हो लेकिन साउदर्न इंडिया में जो डाइटीज़ है उनको आउटसाइड साइड घर बागरा रखा जाता है वो लोग जो हैं उनको मंडप में एंटर नहीं करना पड़ता है समझे ना बात नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है इनको फर्दर सब थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द हाइस्ट टावर दैट इज कॉल्ड शेखर इन द नॉर्दर्न इंडिया ठीक है वन सब कैटेगरी इज कॉल्ड रेखा प्रसाद और लेटिना कॉल्ड फामसाना टेम्पल एंड द लास्ट कैटेगरी वलाबी टेम्पल Okay. जो रेखा प्रसाद यहाँ लेटिना टेम्पल्स होते हैं उन टेंपल्स में जो शेव उसकी शेप जो है वो यूजली स्कैर होती है एट बेस, ठीक है? एंड इसके जो वाल्स हैं, दे आर कर्ड इनर साइड दिस इज कॉल्ड रेखा प्रसाद आर लेटिना टेंपल्स। ओके okay? नेक्स्ट कैटेगरी इज फामसना टेंपल्स। ये जो टेम्पल्स होते हैं ये ब्रॉडर होते हैं और शार्टर होते हैं लेटिना टेम्पल से ओके okay? लेकिन इनकी जो बेस्ट फीचर है डेट इज उनके जो रूफज होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मुनी स्लैब फॉर एग्जाम्पल ये एक टेम्पल है और इसका जो रूफ है इट इज कंपोज्ड ऑफ मुनी स्लैब ठीक है और इसके okay? जो वॉल्स है दे आर नॉट करव इनर वर्ड्स बट अपवर्ड्स ओके एंड जो लास्ट कैटेगरी है डेट इज वालायिड टेंपल ऑल्सो कॉल्ड वेगान वाल्टेड बिल्डिंग्स। ये जो टेम्पल्स होते हैं दीज आर रेक्ट एगुलर एट द बेस एंड इनके जो रोपज होते हैं दीज आर वाल्ट इन टू द चैम्बर्स लेकिन जो चैम्बर्स होते हैं ना उनके राउंड एजेस होते हैं ठीक है दीज आर थ्री सब कैटेगरीज ऑफ नागरा टेम्पल यहाँ से यूजली एम सी क्यूज पूछे जाते हैं जो रेखा प्रसाद हैं फामसाना और वलाबी ये किस टेम्पल आर्किटेक्चर के टाइप्स हैं ठीक है तो आपको यहां पर आंसर करना है दीज आर दब टाइप ऑफ नागरा टेंपल्स, ओके okay? एंड कल के लेक्चर में हम इनशाला कवर करेंगे ड्रावडियन टेंपल्स। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा लाइक सेशन एंड ऑल्सो सबस्क्राइबल अकेडमी फॉर फ्यूचर लेक्चर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो